फिर जब दूसरा मेंस मैंने दिया था तो मुझे लगा कि मुझे कुछ और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, तो मैंने बाजार से लुकमान आईएएस के अंसारी सर के नोट्स मैंने लिए और फिर उन्हीं को मैंने अपना प्राइमरी सोर्स रखा। केस स्टडी के लिए मैंने 2021 में लुकमान आईएएस का केस स्टडी वाला मॉड्यूल ज्वाइन किया था ऑनलाइन क्लासेस जयपुर से ही, तो उसमें सर ने केसेस को हैंडल करना अच्छे से सिखाया। हेलो एवरीबडी, मेरा नाम अन्नपूर्णा सिंह है एंड आई हैव सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 99 इन दिस ईयर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। अ ब्रीफ बैकग्राउंड अबाउट मी, मैं पटना बिहार से बिलोंग करती हूँ, मेरी स्कूलिंग यहीं पे कंप्लीट हुई एंड मैंने ग्रेजुएशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में बैंगलोर से कम्प्लीट किया। मैंने 3 साल इंटेल में एज अ सेमी कंडक्टर वेरीफिकेशन इंजीनियर काम किया और उसके बाद ये मेरा 5वां प्रयास था जिसमें मैंने सिविल सर्विसेज की परीक्षा को उत्तीर्ण किया। पहले तीन प्रयासों में इनफैक्ट आई वॉज नॉट एबल टू क्लियर प्रिलिम स्टेज भी, और लास्ट 2 अटेम्प्ट्स में मैंने जब भी मेंस लिखे आई वॉज फॉर्चुनेट टू क्लियर इट बोथ द टाइम्स एंड इस बार विद अ गुड मार्जिन। मैं यहाँ पे आप सभी के साथ इस वीडियो में बताना चाहूँगी कि ऐसी क्या 10 चीज़ें हैं जो मुझे लगा अक्रॉस द टाइम एंड इन हाइंडसाइट कि मेरे लिए वर्क कर गई। बट अ डिस्क्लेमर बिफोर स्टार्टिंग दिस, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये कुछ श्योर शॉर्ट चीज़ें हैं जो कि होने से या ना होने से आपका मार्क्स डिसाइड होगा। देर आर लॉट ऑफ फेलो टॉपर्स जिन्होंने बहुत ही एक्सेप्शनल स्कोर किया है एंड आई थिंक दे वुड बी द बेटर जज एंड बेटर प्रोवाइडर ऑफ अ बेटर स्ट्रैटेजी। बस मेरी यहाँ कोशिश रहेगी कि जो भी बच्चे हैं जो पहली बार मेन्स लिख रहे हैं एंड द अमाउंट ऑफ ओवरवेलमिंग एंड अ लॉट ऑफ कंटेंट दैट कम्स आवर वे, जिसकी वजह से हम परेशान हो जाते हैं कैसे कवर करनी है चीज़ों को बिटवीन प्रिलिम्स का रिजल्ट एंड मेन्स। बट बिफोर स्टार्टिंग दैट एक छोटा सा डिस्क्लेमर है, मैंने दोनों बार मेन्स लिखे हैं और इस बार कुछ मार्जिन से क्रॉस हुआ है, लेकिन देर आर लॉट ऑफ फेलो टॉपर्स जिन्होंने बहुत ही एक्सेप्शनल स्कोर किया है एंड आई थिंक दे वुड प्रोवाइड इवन बेटर स्ट्रैटेजी ऑन हाउ टू स्कोर बेटर इन मेन्स स्पेशली फॉर GS। बट यहाँ मेरा कंसर्न यही रहेगा कि मैं बता पाऊँ आपको कि वो क्या 10 चीज़ें हैं जिन्होंने मुझे दोनों बार मेंस में मदद दी एंड व्हाट आई थिंक कि नए एस्पिरेंट्स को जो कि फर्स्ट बार मेंस लिख रहे हैं ये बहुत हेल्प कर सकता है। एडिशनली मुझे ऐसा भी लगता है कि सबकी अपनी इंडिविजुअल स्ट्रैटेजी होती है एंड वो किसी के लिए वर्क कर सकती है किसी के लिए नहीं। सो माय इंटेंशन यहाँ पे बस यही है कि आप में से किसी के लिए भी मेरा कोई भी पॉइंट अगर वर्क कर जाए देन आई विल बी सक्सेसफुल। सो लेट अस बिगिन। First, among the 10 points, initially I'll start to go with the generic pointers and then we'll go subject-wise कि क्या चीज़ें हैं जो employ की जा सकती हैं। सबसे पहले the syllabus and PYQs. I'm sure आपने ये multiple बार सुन लिया होगा and now it is ingrained आपके दिमाग में भी, but इसे जितनी बार भी कहा जाए वो कम है। PYQs का analysis GS में ना कि ये मदद करता है आपको कि आप अपना content प्रॉपरली सिलेबस से मैप करके प्रिपेयर करें, बट ये इस चीज़ में भी मदद करता है कि आप एक ट्रेंड एनालिसिस करके कुछ ऐसे स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं जिन्हें बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लें जिसमें आपके क्वेश्चंस के मार्क्स शूट हो सकते हैं। सेकेंड इज टेस्ट सीरीज। नाउ यहाँ पे मैं ये बहुत अच्छी तरह से क्लियर करना चाहूँगी कि किसी भी टेस्ट सीरीज को खरीदना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है मेरे हिसाब से। अगर आप PYQ पे सोलली रिलाई कर रहे हैं आपके बहुत अच्छे स्कोर्स आएंगे। मैंने इस बार कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं खरीदी थी, बट सिंस मैं लास्ट ईयर इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम का पार्ट थी नेक्स्ट IAS के, तो मुझे कुछ टेस्ट प्रोवाइड किए थे उन्होंने, मैंने उससे लिख के थोड़ी प्रैक्टिस की। लास्ट ईयर मैंने विजन IAS की टेस्ट सीरीज़ ली थी, बट यहाँ पे मुझे लगता है कि टेस्ट सीरीज़ का मोटिव रादर देन कवरिंग द क्वेश्चंस
ये रहता है कि आपकी एक डिसिप्लिन तरीके से एक शेड्यूल मैनर में प्रिपरेशन चलती रहती है. बिकॉज टेस्ट सीरीज में आपको ऐसा रहता है कि आपको इतने दिन में ये टेस्ट देना है, सो इसके पहले आप इतनी प्रिपरेशन कंप्लीट कर सकते हैं. बट ये आप खुद से भी इम्प्लॉय कर सकते हैं, अपने शेड्यूल को आप खुद से अपने हिसाब से बना सकते हैं, और मार्केट में बहुत सारे टेस्ट फ्रीली अवेलेबल भी हैं. प्लीज़ ट्राई टू यूटिलाइज देम एज वेल, बट प्रैक्टिस ज़रूर करें. मैं ये कहती हूँ कि आंसर राइटिंग एंड राइटिंग द आंसर आर टू डिफरेंट थिंग्स. आंसर राइटिंग इज अ स्किल, बट राइटिंग द आंसर इज यू सिटिंग डाउन, उतने समय देना अपने पेपर को, अपने पेन को, और लिखना. ये दोनों ही बहुत क्रूशल है. तो चाहे आप एवरीडे आंसर राइटिंग कर रहे हैं, या किसी टेस्ट के माध्यम से कर रहे हैं, या किसी PYQ के माध्यम से कर रहे हैं, द अल्टीमेट मोटिव शुड बी टू राइट. थर्ड थिंग इज नोट्स एंड कंटेंट. आई थिंक आई एम वेरी थैंकफुल टू दी फेलो टॉपर्स जिन्होंने अपने नोट्स इतने अच्छी तरह से प्रोवाइड करवा दिए हैं. एंड मैंने इस बार ये काम किया था कि आई हैड ट्राइड टू एक्सट्रैक्ट कंटेंट फ्रॉम द टॉपर्स नोट्स, फ्रॉम माय ओन नोट्स, एंड फ्रॉम द करंट अफेयर्स स्टफ दैट कीप्स कमिंग, एज वेल एज द टेस्ट टाइम राइटिंग, उनका डिस्कशन या उनका एनालिसिस, एंड उन सबको छोटे फॉर्मेट में एक जगह कंसोलिडेट किया था. आई ट्राई टू शेयर दैट विद ऑल ऑफ यू एज वेल. इससे इस चीज़ में मदद मिली कि मुझे रिविजन करने में बहुत सहायता मिली, एंड आई पेड स्पेशल फोकस टू द सब्जेक्ट्स जिसमें लास्ट ईयर मेरे मार्क्स थोड़े कम भी रह गए थे. द फोर्थ थिंग आई बिलीव इज पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी. इसमें दो तीन चीज़ें हैं. पहला कि आपको जब पेपर दिया जाता है GS का, तो आपको कुछ समय मिलता है, उस समय को यूटिलाइज करके आप मार्क कर सकते हैं गोइंग बाय डिफरेंट पेपर्स कि आपको कौन से क्वेश्चंस हैं इन द एस्पेक्ट ऑफ 1, 2 एंड 3, जो कि सबसे इजी है गोइंग फ्रॉम 1 टू, सबसे टफ है गोइंग टू 3. तो आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप लाइन बाय लाइन सारे क्वेश्चंस को करें, रादर देन जो आपको लगता है कि आप ज्यादा अच्छा परफॉर्म और स्कोर कर सकते हैं, उन क्वेश्चंस को आप प्रायोरिटाइज करें अगर, तो आपको इसमें मुझे लगता है कि हेल्प मिल सकती है. मैंने ये किया था इस बार भी. इनफैक्ट फॉर GS 3 एंड GS 2 एज वेल, मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं क्वेश्चन नंबर 9, 10 एंड 19, 20, जो कि GS 2 में इंटरनेशनल रिलेशंस के क्वेश्चन होते हैं एंड GS 3 में सिक्योरिटी के क्वेश्चंस होते हैं, दीज आर लो हैंगिंग फ्रूट्स एंड आई थॉट दैट आई विल सॉल्व देम फर्स्ट. एंड उसका मुझे रिजल्ट भी मिला, मेरे स्कोर्स में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई थी. अपार्ट फ्रॉम दिस, यूजिंग प्रॉपर स्ट्रक्चर्स, टेबल्स, डायग्राम्स, हब एंड स्पोक मॉडल्स, आई थिंक ये आपके टाइम को भी सेव करते हैं और ये काफ़ी अच्छा और अट्रैक्टिव लगाते हैं आपके आंसर को. सो इससे एग्जामिनर को भी मदद मिलती है कि वो आपको ही थोड़ा बेटर स्कोर दे पाए. एडिशनली रेडी इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन्स आई थिंक इज समथिंग दैट ऑल द टॉपर्स एडवाइज, एंड आई एम श्योर आपके भी प्रिपेयर्ड होंगे. सिलेबस से पॉइंटर्स उठा के, कीवर्ड्स उठा के, उनके इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन एंड कीवर्ड्स, वैल्यू एडिशंस अगर आप रेडी रखते हैं और उसको एम्प्लॉय कर पाते हैं, तो आई थिंक एक आधे मार्क्स तो जरूर बढ़ सकते हैं. फिफ्थ थिंग, लेट्स गो सेक्शन वाइज नाउ. ऐसे में मेरे स्कोर काफ़ी इम्प्रूव हुए हैं इस बार. पिछले बार आई हैड स्कोर्ड 99 और इस बार इट इज़ 121. एंड आई थिंक ऐसे में अगर हम डिस्कस करके, एंड इवन इफ वन इज नॉट राइटिंग इनिशियली, अगर हम स्ट्रक्चर करते हैं PYQs को ही, तो इट इज़ वेरी हेल्पफुल. क्योंकि इससे आपको ना कि अपने आइडियाज़, बट आपके जो पीयर्स हैं जिनके साथ आप डिस्कस कर रहे हैं, उनके आइडियाज़ भी मिलते हैं. आप उसे कंसोलिडेट कर सकते हैं, या फिर जो भी नोट्स आप फॉलो कर रहे हैं, काफ़ी सारा कंटेंट रहता है मार्केट में, उसे अगर आप फॉलो कर रहे हैं, वहाँ पर आप वैल्यू ऐड कर सकते हैं. बट ऐसे में आई थिंक अपार्ट फ्रॉम कंटेंट, विच डज प्ले अ माइनर रोल, आई थिंक द स्ट्रक्चरिंग एंड द आइडिएशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. YouTube पे बहुत सारी स्ट्रैटेजीज अवेलेबल है, बहुत सारे अच्छे टीचर्स के द्वारा भी. मैंने भी उन सबको देखा था. कुछ कुछ छोटे छोटे पॉइंटर्स है जो टॉपर्स भी बताते हैं कि आपको इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन को लिंक करना चाहिए, अपने पैरास को शॉर्ट एंड क्रिस्प रखें, अपने आर्ग्यूमेंट्स को बैक करें एग्जाम्पल से, और दोनों ही ऐसे में थोड़ी सी डाइवर्सिटी होनी चाहिए. इससे इंटरेस्टिंग रहता है आपका ऐसे. सो मैंने फर्स्ट ऐसे में एक पोएम लिखा था
और दूसरे ऐसे में एक एनेक्डोट लिखा था, और दोनों ऐसे का स्ट्रक्चर भी काफ़ी डिफरेंट रखा था। तो अगर आप काफ़ी सारे टॉपर्स ऐसे पढ़ेंगे तो मुझे लगता है इसमें बहुत हेल्प मिलेगी। मैंने इस बार ऐसे में ये ज़रूर किया था। नाउ द सिक्स थिंग, GS1, ऑल्दो मेरे स्कोर कोई बहुत अच्छे नहीं रहे हैं, तो आई थिंक आई विल रिक्यूज माई सेल्फ एंड लीव इट टू द फेलो टॉपर्स जिनके बहुत अच्छे मार्क्स हैं इस बार GS1 में, ताकि वो आपको बेटर स्ट्रैटेजी बताएं। हाउएवर आई हैव सीन कि ट्रेंड थोड़ा सा डिप हुआ है GS1 में। लास्ट ईयर मेरे 106 मार्क्स थे जो कि अच्छे थे, पिछले बार के हिसाब से ठीक थे। इस बार इट इज़ 86, तो आई एम श्योर कि आपको बेटर स्ट्रैटेजीज मिल जाएंगी। मुझे जो लगता है एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से कि GS1 में जो कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सोसाइटी है, वहाँ पे हर तीनों के अलग अलग कुछ की पॉइंटर्स होते हैं जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। ज्योग्राफी में ऑफकोर्स मैप्स अगर एप्लीकेबल है तो प्रोवाइड कीजिए आप। एंड देर इज़ अ न्यू ट्रेंड ऑल्सो विच आई हैव ऑब्जर्व्ड कि क्वेश्चन लिंक करके आ रहे हैं। फॉर इंस्टेंस इस बार एक सवाल था जो कि ज्योग्राफी और कल्चर को लिंक कर रहा है, वहाँ पे आप कल्चर के डिफरेंट डायमेंशंस को खोल के भी आप अपने आंसर्स को डिफरेंट पॉइंट्स में डाल सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस ज्योग्राफी और हिस्ट्री को भी लिंक करके क्वेश्चंस आए थे, तो आप ये भी चीज़ को माइंड में रखें कि सिलोज में ना पढ़ के एक इंटरसेक्शनैलिटी के साथ पढ़ने से GS1 में आंसर्स काफ़ी अच्छे और इनरिच्ड हो सकते हैं। GS2 में आई हैव सीन अ गुड इम्प्रूवमेंट एंड दैट इज वाई दैट इज माई 7th पॉइंट। आई स्कोर्ड 92 लास्ट ईयर, बट दिस टाइम इट इज़ 109। अगेन देर आर मैनी टॉपर्स हु हैव स्कोर्ड मच बेटर, बट आई कैन टेल यू हाउ यू कैन इम्प्रूव फ्रॉम सच अ लो स्कोर टू अ डिसेंट स्कोर। इसमें मुझे ये पता चला कि मेरी अंडरस्टैंडिंग की काफ़ी दिक्कत थी एंड मेरे एक सीनियर ने मेरी बहुत हेल्प की। मोर ऑफन देन नॉट वी सी अ क्वेश्चन एंड वी सी कि अच्छा ये सिलेबस का की पॉइंट है एंड इस पर आंसर लिख देते हैं, रादर देन रियलाइजिंग कि दैट इज जस्ट द की पॉइंट, बट द क्वेश्चन का डिमांड बहुत ही डिफरेंट है। तो हमें उसकी डेप्थ में जाके थोड़ा अंडरस्टैंड करके अगर हम आंसर करते हैं, चाहे वो पॉलिटी का सवाल हो या गवर्नेंस का सवाल हो या सोशल जस्टिस का सवाल हो, तो उसमें बहुत मदद मिलती है। इंटरनेशनल रिलेशन में मुझे लगता है कि इट इज़ अ वेरी लो हैंगिंग फ्रूट एंड इस बार मैंने थोड़ी पीछे से आंसर करना स्टार्ट किया था एंड उसमें हेल्प मिली कि प्रेजेंटेशन थोड़ा अच्छा हो पाया ऑफ इजियर क्वेश्चंस इज वेल। एडिशनली GS2 में आजकल विथ रेलिवेंट केस लॉज एंड आर्टिकल्स ऐसे वाले क्वेश्चन भी आते हैं, तो मेक श्योर कि आप इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रिपेयर्ड रहें। मेरी पिछले बार ये मेरी कमी रह गई थी, बट इसमें दिस टाइम आई मेड श्योर कि मैं केस लॉज को अच्छे से प्रिपेयर करूँगी, आर्टिकल्स को अच्छे से मेमोराइज करूँगी एंड आई यूटिलाइज देम इन माई आंसर्स टू। नाउ कमिंग टू द 8th पॉइंट, दैट इज GS3। दिस आई थिंक इज़ वन ऑफ द गुड इम्प्रूवमेंट दैट आई हैव सीन दिस ईयर। लास्ट ईयर 79 थे एंड दिस टाइम इट वॉज 93। ऑफकोर्स किसी को नहीं पता होता है कि एक्चुअली पेपर में क्या वर्क कर गया है, बट इट इज़ फ्रॉम द हाइंडसाइड दैट आई फील कि इस बार बहुत ही स्पेसिफिक कंटेंट लिखने के बाद प्रॉपर डेटा एंड आई यूज डायग्राम्स एंड ग्राफ्स इन माई आंसर्स, स्पेशली इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन में। उसके अलावा आई थिंक सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट वाले क्वेश्चन विच आर द लो हैंगिंग फ्रूट्स, मैंने उनको पहले करना स्टार्ट किया था एंड आई थिंक उसने मदद की मुझे। आप ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि बहुत ईजिली प्रिपेयर हो सकते हैं और अगर आप उसे अच्छे से आंसर कर रहे हैं तो वो आपको बहुत बढ़िया रिटर्न वापस करेंगे। तो इन्हें प्लीज़ आप इग्नोर ना करें, बिकॉज द पर्सन सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू एंड बिहाइंड यू वो उसे इग्नोर नहीं कर रहा है। एडिशनली GS3 में बहुत फ़ायदा होता है अगर आप डेटा अपने आंसर्स में डाल रहे हैं, तो दीज आर द नुआंसेज विच आर हेल्पफुल इन GS3। एंड फॉर साइंस एंड टेक स्पेसिफिकली आपको पता रहता है कि वॉट इज इन न्यूज़, तो यू कैन वेरी वेल ट्राई कि ये वाली चीज़ें अब मे बी पूछी जा सकती है। दिस वर्क फॉर मी एंड फॉर अ लॉट ऑफ अदर टॉपर्स एंड एस्पिरेंट्स टू। चंद्रयान बहुत न्यूज़ में था एंड इट केम इन द क्वेश्चन, तो मैंने उसे बहुत थरली पढ़ रखा था, मैंने सारे स्पेसिफिक पेलोड्स के नाम लिखे थे, मैंने डायग्राम बनाया था, मैंने डेप्थ में उस कंटेंट को लिखा था। तो आई थिंक अगर आप पहले से थोड़ा सा प्रिडिक्ट करके प्रिपेयर करेंगे सो इट हेल्प्स देयर। नाउ कमिंग टू GS4, दिस हैज़ बीन अ ड्रॉप दैट आई हैव सीन इन माय स्कोर। मुझे इस बार 98 मार्क्स मिले और लास्ट ईयर इट वाज मोर देन 100, अराउंड 105।
वन ऑफ द रीजन फॉर दिस ऑफ कोर्स वाज दैट मैंने ये पेपर 102 फीवर में लिखा था, बट डिस्पाइट दैट मुझे लगता है कि पेपर इस बार काफ़ी अच्छा आया था और बहुत अच्छा स्कोर किया जा सकता था. बट देर वॉज अ मिस्टेक दैट आई डिड एंड इट वॉज कि मैंने केस स्टडीज लिखते समय क्वेश्चन पढ़ा और क्वेश्चन नंबर 12 केस स्टडी का आंसर क्वेश्चन नंबर 13 में लिख दिया एंड वाइस वर्सा. एंड उस कारण मेरे दो क्वेश्चंस थोड़े से मैसअप हो गए थे. ऑफ कोर्स उसके बाद एक अच्छी चीज़ भी मैंने की दैट आई ट्राई टू रिमेन काम एंड जितना भी स्पेस बचा था मैंने उसमें बचे हुए कंटेंट को लिखा, अपने किसी और आंसर में उसे इम्पैक्ट नहीं होने दिया टिल माई एग्जाम वॉज ओवर. आफ्टर माई ज्योग्राफी द लैंग्वेज पेपर आफ्टर माई ऑप्शनल वॉज ओवर उसके बाद आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट इट एंड आई क्राइड कि ये गड़बड़ हो चुकी है एंड शायद मेंस भी क्लियर ना हो. बट जब तक आपका पेपर खत्म नहीं होता है प्लीज डू नॉट गिव अप. यू डू नॉट नो कि वॉट विल वर्क फॉर यू एंड वॉट विल नॉट. सो द फाइट स्टेज टिल द वेरी एंड. अपने से कुछ भी प्री कंसीव ना करें एंड आई थिंक दिस हैज हेल्प मी एज वेल. एंड ऑल्सो आई थिंक मेन्स जो ये लास्ट पॉइंट भी है मेरा 10th पॉइंट कि मेन्स इतना ग्रूलिंग होता है इतना डिफिकल्ट हो जाता है कि इसमें अपने मेंटल हेल्थ के साथ साथ अपनी फिजिकल हेल्थ का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है. मुझे नहीं लगता है कि फीवर की वजह से कोई रीज़न रहा होगा बट आपको अपनी बेस्ट फिजिकल फिटनेस में रहना उस समय ज़रूरी है क्योंकि दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम जो हम उस समय लिख रहे हैं. सो ट्राई एंड स्टे हेल्दी. उस समय थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइजेस करते रहें, किसी फ्लू वगैरह से आप बचा के रखें अपने आप को एंड स्टे हैप्पी ड्यूरिंग द एंटायर प्रिपरेशन. आई थिंक आपको बहुत सारे स्पेसिफिक सजेशंस फॉर दी स्पेसिफिक पेपर्स मेरे कॉलीग जरूर देंगे बट दीज आर अ फ्यू थिंग्स दैट आई हैड एम्प्लॉयड एंड आई वॉन्टेड टू शेयर दम विथ यू. If all my other resources, I would definitely share across various platforms. And if there is anything else that I can help the fellow aspirants, I would be very happy to do that. All my best wishes to all of you. Thank you.